हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनु और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टॉपिक है आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, क्लास 12 का, और उसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। तो हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप कंप्यूट करते हो तो आपके पास दो मेथड आपके सिलेबस में है। कौन कौन से मेथड है आपके सिलेबस में? एक है एवरेज पीरियड मेथड और एक है आपका प्रोडक्ट मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड क्या है और प्रोडक्ट मेथड क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना होगा कि आपको एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करना है या प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है। अब एवरेज पीरियड मेथड आपका कब अप्लाई होगा? जब आपको कोई पार्टनर की ड्राइंग में दो सिमिलैरिटी मिलेंगी या दो स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी मिलेगी। क्या क्लैरिटी मिलेगी? नंबर वन, सभी ड्राइंग, जितनी भी ड्राइंग्स पार्टनर ने की हैं वो सभी ड्राइंग्स सेम अमाउंट की हैं। मतलब पहले हम लिख देते हैं यहां पे आपके लिए, ऑल ड्राइंग्स आर ऑफ सेम अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर राम इज अ पार्टनर, ठीक है, इन नॉलेज पार्क क्लासेस केपीसी, और राम मेक्स 5 drawings of rupees 5000 each. तो यहां पर सभी drawings का जो amount है वो है 5000. तो यानी कि पहली condition क्या है कि सभी drawings same amount की होंगी, तभी हम average period के लिए सोच सकते हैं। मैंने कहा सोच सकते हैं, apply करने के लिए दूसरी condition भी कम हमारी meet होनी चाहिए। दूसरी condition क्या है हमारी? जो भी ड्राइंग्स हैं उनका जो इंटरवल ऑफ गैप है या इंटरवल ऑफ टाइम गैप है वो सेम होना चाहिए। सेम यहां पे हम लिख देते हैं दूसरी कंडीशन, सेम इंटरवल ऑफ गैप बिटवीन सब्सिक्वेंट ड्राइंग्स। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब इसी ऊपर वाले एग्जांपल में अगर मैं ये ऐड कर दूं, राम इज अ पार्टनर इन नॉलेज पार्क क्लासेस, मेड 5 ड्राइंग्स ऑफ रुपीस 5000 ईच एट एंड ऑफ फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो ड्रॉइंग है, सभी ड्रॉइंग्स जो है आपकी, वो एंड ऑफ फर्स्ट 5 मंथ, मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो पहले मंथ का एंड कब होगा? सर 30 अप्रैल को। सेकेंड मंथ का एंड कब होगा? सर 30 मई को, या 30 मई या 31 मई, जो भी है, ठीक है। सेम वे में जून, 30 जून, 30 जुलाई, तो या 31 जुलाई। तो आप यहां पे देखो कि जो ड्राइंग का टाइम गैप है सभी ड्राइंग में 1 मंथ का है। जरूरी नहीं आप पूरे साल ड्राइंग करो, क्या जरूरी है कि दो ड्राइंग यानी सब्सिक्वेंट हर ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप है वो सेम होना चाहिए, प्लस सभी ड्राइंग का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी मीट कर जाती हैं, तो आप एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर दोगे। ओके, अब एवरेज पीरियड मेथड क्या है, इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, एक मनु इज अ पार्टनर इन नॉलेज पार्क क्लासेस केपीसी, ही मेड drawings of rupees 5000
ईच, यानी सभी ड्रॉइंग 5000 की पहली कंडीशन मीट कर गई। एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ द ईयर, तो दूसरी कंडीशन मीट कर गई, सभी ड्रॉइंग्स जो हैं वो पहली तारीख को की गई हैं हर महीने की पूरे साल में। और मान लेते हैं केपीसी फॉलोज कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब 1 January to 31 December, इजीनेस के लिए अंडरस्टैंडिंग की। कैलेंडर ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में आपको दिया गया है इज 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तीनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है, कितने अमाउंट की ड्राइंग करी, क्या हर महीने या फिर रेगुलर टाइम गैप पर करी, यस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो अब इसको हम एवरेज पीरियड मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने का आपका जो फॉर्मूला है एवरेज पीरियड आपको निकालना बहुत जरूरी है एवरेज पीरियड मेथड के अंदर। और एवरेज पीरियड निकालने का आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट इन कंप्लीशन ऑफ द ईयर आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। इन कंप्लीशन ऑफ द ईयर मैं नहीं लिख रहा हूं, सिंपल लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस करेंगे इसमें नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, और इसको आप डिवाइड कर देंगे जो सम आएगा उसको 2 से, तो ये आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। जैसे हमारे वाले एग्जांपल के अंदर पहली ड्रॉइंग कब की होगी, फर्स्ट ड्रॉइंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ मंथ करा है तो पहली फर्स्ट जनवरी को करी होगी, तो पूरे 12 महीने बचे हैं। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट दिसंबर को करी होगी, तो कितने महीने बचे हैं, 1 मंथ बचा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा एवरेज पीरियड का 12 + 1/2 यानी 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ, ये आपका आ गया एवरेज पीरियड। अगर आपने एवरेज पीरियड ठीक निकाल लिया तो उसके बाद क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। इसके बाद आपने क्या करना, आपने टोटल ड्राइंग का अमाउंट निकालना है कि टोटल ड्राइंग कितनी हुई है। तो टोटल ड्राइंग जो है वो होगी आपकी, क्वेश्चन में हमने कहा था 5000 करिए एक बार में, और पूरे साल में हर महीने करिए यानी 12 times करिए, तो 5000 × 12 = 60,000 rupees की आपने टोटल ड्राइंग, यानी कि मनु ने नॉलेज पार्क क्लासेस में टोटल ड्राइंग कितनी करी है, 60,000 rupees की करी है। अब आपका डायरेक्ट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड में निकालने का तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय मनु इज इक्वल टू जो आपने टोटल ड्राइंग निकाली स्टेप टू में, यह आपका स्टेप टू है, यह आपका स्टेप वन है एवरेज पीरियड निकालना, और स्टेप थ्री आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट करना है। तो टोटल ड्राइंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड से, और एवरेज पीरियड को डिवाइड करना आपने 12 से, और इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल ड्राइंग हमारी है 60,000 rupees, एवरेज पीरियड है 6.5 मंथ डिवाइड बाई 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% यानी 6/100। इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा नीचे, 3 0 से 3 0 काट देंगे। अब आप 6 को 2 times करेंगे 12 आएगा और ये 30 होगा, आपके पास आएगा 30 × 65। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 × 15 = 1 carry, 18 = 19, 1950 rupees।
ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय मनु। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हैं उनके लिए मैं इसे स्मॉल कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ये सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट और ये एवरेज पीरियड निकालने के लिए जो हमने मंथ की कंप्यूटेशन के लिए हेल्प ली उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरह के केसेस होते हैं तो इस वीडियो में मैं सारे केसेस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट बेसिक फंडामेंटल रूल अगर आप लगा लेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेथड है नेक्स्ट मेथड हमारा है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है आप देखिए, एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, मान लेते हैं मनु इज अ पार्टनर इन नॉलेज पार्क क्लासेस। He made following drawings during year ended, मान लेते हैं भाई कैलेंडर ईयर ले रहे आसानी के लिए ताकि हमें मेथड समझ में आ जाए। ईयर एंडेड 31st December 2019, क्या क्या ड्राइंग करी? बोले 1 जनवरी 19 को विड्रॉ करे 5,000 रुपीज, फिर 30 जून को विड्रॉ करे 10,000 रुपीज। जैसे ही अमाउंट डिफरेंट हुआ इसका मतलब एवरेज पीरियड तो लग ही नहीं सकता, तो हमारे पास एक ही मेथड बचा प्रोडक्ट मेथड। मान लेते हैं 30 सितंबर को ड्राइंग करी फिर से 5,000 रुपीज। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं ऑन ड्राइंग 6% ही ले लेते हैं, 6% पर एनम। अब हमें कंप्यूट करना है कि मनु के ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका, प्रोडक्ट मेथड में आपको एक टेबल बनानी होगी छोटी सी। यहाँ पे आप लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे लिखेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन और यहाँ पे उसका प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे मंथ लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग एंड यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट जो आपने विड्रॉ करा है। और यहाँ पे इसे अगर मैं बोलूँ ए बी सी तो D इज इक्वल टू होगा आपका B इंटू सी, यानी कि मंथ लेफ्ट इंटू अमाउंट। तो पहली ड्राइंग देखिए कब की, 1st January 2019 को। दूसरी ड्राइंग हमने करी 30 जून 19 को और तीसरी ड्राइंग करी 30 सितंबर 19 को। ड्राइंग कितनी करी? 5,000, 10,000, 5,000, 5,000, 10,000 और 5,000। फर्स्ट जैन के बाद कितने मंथ लेफ्ट हैं? तो पूरा साल ही बचा हुआ है 12। 30 जून के बाद 6 मंथ, 30 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 × 5,000 = 60,000, 6 × 10,000 = 60,000, 3 × 5,000 = 15,000। तो इसका आप सम कर देंगे प्रोडक्ट का, 60, 60 और 15, 1,35,000। जब आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपने सिंपल इस प्रोडक्ट के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल दो, वही आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। मतलब मैं यहाँ पे करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय मन इज इक्वल टू जो आपका प्रोडक्ट आया इसके ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट 1,35,000 इंटू 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 मंथ यानी कि 1/12। 2 से 1350 को काटेंगे तो आएगा 6 × 7 × 5 × यहाँ पे 675 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो जाएगा मनु के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आपका मेथड है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री जो आपकी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को, इसको हम करेंगे जो सही तरीका है। अगर आपसे बोले जर्नल एंट्री पास करो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको दो जर्नल एंट्री आइडियली पास करनी चाहिए। पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की, जो आपकी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि 675 था तो 675 675। उसके बाद आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में एज द केस में भी। तो पार्टनर कौन है यहाँ पे, मनु, तो मनु का कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी केस होगा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप हमेशा कैपिटल अकाउंट का यूज कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तो बच्चे जो है नॉर्मली बस ये वाली एंट्री करते हैं, ये वाली नहीं करते, ये वाली भी करनी चाहिए। 675, 675। तो जो बच्चे वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे स्मॉल कर देता हूं। तो जल्दी से मैं रिकैपिटलाइज कर देता हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इस सॉल्यूशन को भी मैं छोटा कर देता हूं। ये हमारा इलस्ट्रेशन था। हमारा टॉपिक था कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज पीरियड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई होगा सर, जब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो सेम होगा, टाइम गैप सब्सिक्वेंट ड्राइंग में वो भी सेम होगा, तभी हम एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज पीरियड मेथड के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई टू, तो ये आपका एवरेज पीरियड देता है। फिर आप टोटल ड्राइंग निकालते हैं, एक ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग, और उसके बाद आप सिंपल टोटल ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करके आप उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट मेथड में आपको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें आप लिखते हैं डेट, मंथ लेफ्ट, अमाउंट, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका सम करते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है उसका आप वन मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वही आपका टोटल इंटरेस्ट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो या आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अर्बन प्रो पे मेरी प्रोफाइल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बाकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या जो भी नीचे डिटेल्स है वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडीज। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।